कल फिर एक बार विपक्ष की एकता का कॉमेडी शो पटना में होने जा रहा है। तो अपने अपने राज्य में जो लोग जनाधार खो चुके हैं वो एकजुट होकर नरेंद्र मोदी का मुकाबला करने का, विपक्षी एकता को एकजुट करने में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगे हैं, ये चर्चा तेज है। और बिहार दौरे पर तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर का आना इस बात पर मुहर लगाता है। बहरहाल केसीआर के बिहार दौरे को लेकर सियासत तेज है और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री मौजूदा समय में राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने नीतीश कुमार पर एक करारा हमला कर दिया है। नीतीश कुमार को लेकर उन्होंने कई जो बातें हैं वो कही है, तो वहीं केसीआर को कहा है कि पिछले कुछ समय में केसीआर की जो स्थिति तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी ने की है वो जगजाहिर है। जहां केसीआर अपनी बेटी कविता को चुनाव नहीं जीतवा पाए, वही हाल बिहार में है जहां लालू यादव अपनी बेटी मीसा भारती को चुनाव नहीं जिता सके। इसके साथ ही सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि कल राजधानी पटना में जब केसीआर होंगे और वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करेंगे तो ये एक कॉमेडी सीन होगा। निश्चित तौर पर केसीआर के पटना आने से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी ने एक करारा हमला बिहार की महागठबंधन सरकार के ऊपर किया है और सुशील कुमार मोदी ने नीतीश कुमार समेत लालू प्रसाद यादव पर खरी खोटी सुनाई है। सुनिए सुशील कुमार मोदी क्या कह रहे हैं विपक्षीय एकजुटता पर। कल तेलंगाना के मुख्यमंत्री श्री केसीआर बिहार के दौरे पर आ रहे हैं, कल वो नीतीश कुमार से मिलेंगे। कल फिर एक बार विपक्ष की एकता का कॉमेडी शो पटना में होने जा रहा है और ये वही केसीआर हैं जिनके राज्य तेलंगाना में जब हैदराबाद नगर निगम का चुनाव हुआ तो बीजेपी 4 से बढ़कर 48 पर पहुंच गई और केसीआर की पार्टी 99 से घटकर 56 पर पहुंच गई। इतना ही नहीं तो हुजूराबाद और दुबक के चुनाव में जो 2 बाई इलेक्शन हुआ, दोनों बाई इलेक्शन बुरी तरह से केसीआर की पार्टी चुनाव हार गई। यहां तक कि लोकसभा चुनाव के अंदर केसीआर की अपनी बेटी कविता को चुनाव नहीं जीता पाए। तो जो अपनी बेटी को नहीं जीता पाए, जिसे लालू यादव मीसा भारती को नहीं जीता पाए थे, तो अपने अपने राज्य में जो लोग जनाधार खो चुके हैं वो एकजुट होकर नरेंद्र मोदी का मुकाबला करने का की कोशिश कर रहे हैं। केसीआर अब सफल नहीं होंगे, अब चाहे नीतीश कुमार हो, केसीआर हो, अरविंद केजरीवाल हो, ममता बनर्जी हो, कोई मिल जाए, ये कोई नरेंद्र मोदी का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। इनका तो ये हाल है कि जब अभी एक्साइज मामले में जब सीबीआई की रेड हुई तो कांग्रेस ने उस रेड का स्वागत किया और जब सोनिया गांधी नेशनल हेराल्ड मामले में जब लोकसभा में और संसद में विरोध हो रहा था तो आम आदमी पार्टी और टीएमसी के लोग चुप्पी साधे हुए थे, उन लोगों ने उनका साथ नहीं दिया। तो ये विपक्षी एकता मेढकों को तराजू पर तौलने के समान है, इसमें वो कभी सफल नहीं होंगे। तो निश्चित तौर पर केसीआर के दौरे के ठीक पहले जो बिहार की सियासत है वो गर्मा गई है। आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो निकल कर सामने आ रहा है। नीतीश कुमार को जहां भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पहले ये कह दिया गया है कि वो सीएम के तौर पर ही अयोग्य हैं तो पीएम कैसे बनेंगे, वहीं केसीआर के मुलाकात के बाद क्या कुछ नई रणनीति बनती है ये देखने वाली बात होगी। हालांकि सुशील कुमार मोदी ने साफ तौर पर दावा किया है कि कोई भी हो वो मोदी के सामने नहीं टिक सकता, बात केजरीवाल की जाए या फिर ममता बनर्जी की, कोई भी एक ऐसा चेहरा नहीं है विपक्ष में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुकाबला कर सके।